हेलो स्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो दिसंबर में होने जा रहा है, तो उसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स अभी तक किए हैं जिसमें कि डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जाना है और सोशलाइजेशन के बारे में जाना है, राइट? तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चनेयर है, जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं और उनका आंसर हमें कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सम क्वेश्चंस दोज आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है कि ऐसा प्रिंसिपल विकास का वो सिद्धांत जो बताता है कि मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, स्टार्ट होते हैं बनना बॉडी में पहले सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है, सेंट्रल से बाहर की तरफ। तो देखो यहाँ पे जो इमेज दिया हुआ है इस पे अगर फोकस करके देखो, समझो तो समझ पाओ कि सेंटर से बाहर की तरफ जो आर्क बन रहा है उसमें लिखा हुआ है प्रोक्सिमो डिस्टल। तो यस, द करेक्ट आंसर इज प्रोक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डेवलपमेंट चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ, डेवलपमेंट में जो परिवर्तन आते हैं वो किस चीज का परिणाम होते हैं। तो दीज आर द changes because of the unique combination of genetic and environmental circumstances, आनुवांशिक और पारिस्थितिकी के उनका अनूठा संयोजन है ये, और उसी हिसाब से development होता है। Now moving to next question, assertion and reason का है। ध्यान देना 2021 से इन्होंने assertion और reason भी include किया हुआ है, और हर paper में कम से कम हर एक subject में 4 से 5 assertion reason हमें देखने के लिए मिले थे, कम से कम 3 तो minimum था ही था क्वेश्चन देखने के लिए। तो देखो, पहला एक assertion है जो लास्ट ईयर से लिया गया है कि डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड इंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक मेकअप, उनके जेनेटिक मेकअप की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो डिले हो रहा है फिजिकल डेवलपमेंट में वो। नेक्स्ट थिंग इज कि हेरिडिटरी फैक्टर्स आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो भी आनुवांशिक चीजें हैं वो बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखो यहाँ पे आनुवांशिक फैक्टर्स के बारे में बात की है, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट से वो सोली, देखो यही पे आके गलत कर दिया है, इन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से उत्तरदायी है, तो पूरी तरीके से उत्तरदायी नहीं हो सकते। सो द करेक्ट आंसर इज कि A is true and B is false, yani assertion is true but reason is false. Moving to the next question, it is about development of children proceeds from dash to dash, किस कहां से कैसे जाता है। तो अगर ध्यान में हो आपके तो development is about कि पहले बच्चा जो है किसी भी चीज को, पहले कॉन्क्रीट चीजों को मूव करके देखता है कि कैसे हो रहा है। तो बेसिकली कैसे हो रहा है, पहले वो जनरलाइज करता है, प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन, बच्चे जनरलाइज कर रहे थे, राइट? हमने प्रिंसिपल्स वाले वीडियो लेक्चर में बात करी थी, तो उसमें देखो जनरल से स्पेसिफिक मूवमेंट होगा कभी भी डेवलपमेंट का, जनरल पहले होगा फिर स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट, विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है जो इस तरीके का काम कर रहा है? तो डायरेक्शन है, सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, जो हर चाइल्ड में सिमिलर होते हुए भी कुछ ना कुछ यूनिक है। तो दैट इज इंडिविजुअलिटी, वो व्यक्तित्व का अलग से जो अलग अलगाव है वो दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिफाइंस दैट डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट नेवर एंड्स, कभी भी खत्म नहीं होता है। एकदम सिंपल आंसर, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सतत विकास चलते रहता है, हमने कितनी बार बात कर ली है। अगला सवाल देखो, स्टेटमेंट टाइप दे रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेवलपमेंट के बारे में सही है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोली बाय जेनेटिक्स, देखो सोली यहाँ लगा दिया इसीलिए गलत हो गया है। फिर नेक्स्ट आया डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, डेवलपमेंट एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, तो बिल्कुल हमें पता है कि किसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, तो ये भी सही है। एंड नेक्स्ट इज ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी 1, 3 एंड 4, ये तीनों सही स्टेटमेंट है।
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट. किस चीज को ये सही सिद्धांत बताता है, कौन सा सिद्धांत है जो इस स्टेटमेंट को सही बताता है. तो द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ तो नहीं होता, ये पीछे जाता है फिर आगे आता है. तो ये किस चीज को बताता है, देखो पीछे आगे जब जा रहा है तो दैट मीन्स कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट के बारे में बात कर रहा है, कि अलग तरीके से मूवमेंट हो रहा है, आगे पीछे दोनों तरीके से मूव कर रहे हैं हम. So moving to the next question, development proceeds in the direction of the longitudinal axis. The principle of development is called as, देखो longitudinal axis की बात हो रही है. तो first question में हमने एक arc देखा था जिसको हमने कहा था proximo distal, center से बाहर की तरफ. अब ऊपर से नीचे की तरफ जो होगा तो that is cephalo caudal. इस principle को हम बोलते हैं principle of development of cephalo caudal. नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कि डेवलपमेंट के बारे में क्या सही है क्या गलत है, इससे रिलेटेड सवाल मिलते हैं. तो अभी देखो नॉट करेक्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब जो कि गलत है. तो गलत कैसे है, कौन कौन सा हो सकता है. डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल. बिल्कुल सही बात है, मल्टी डायमेंशनल है और बहुत सारे डायरेक्शन में होता है. फिर लाइफ लॉन्ग चेंज है, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग चलते रहता है, एकदम जीवन पर्यंत चलते ही रहता है. प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, अभी कुछ सवाल पहले हमने देखा, राइट. तो एक हमारे पास है ऑप्शन बी, दैट इज कि इसका इफेक्ट कल्चरल चेंजेस पे नहीं होता है, बट गलत है. हमने देखा है कि कल्चर चेंज का डेवलपमेंट पे असर होता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल थियोरिस्ट हु व्यू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज हैविंग सब्सटैंशियल प्लास्टिसिटी, यानी कि वहां पे प्लास्टिसिटी है, मतलब लचीलापन मौजूद है थ्रू आउट द लाइफ. किस चीज के बारे में बता रहे हैं ये, तो ये बता रहे हैं हमें इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस के बारे में, कि हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है, हमारे एक्सपीरियंस बदल रहे हैं, उस हिसाब से हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी बदल रहा है. अगला सवाल दे रखा है, एज सून एज सुनीता बिगेन टू वॉक, जब वो चलने लगी तो उसने देखा, म्यूजिक सुना और वो उसके पेरेंट्स ने, उन्होंने उसने डांस किया, ठीक है, और उसके पेरेंट्स ने उसके लिए तालियां भी बजाई हैं. व्हेन शी डांस्ड एंड इनकरेज्ड हर टू इमिटेट डांसिंग बाई चिल्ड्रन ऑन टीवी शोज, उसने जब भी इमिटेट किया है बच्चों को टीवी शोज का देख करके डांस, वैसे वैसे तब भी उसके पेरेंट्स ने उसको क्या किया है, बहुत ही क्लैप करके अप्रिशिएट किया है. तो बच्चे ने, ये जो सुनीता थी, ये तुरंत से बहुत अच्छा डांस करना सीख गई. कौन सा प्रिंसिपल है ये जो इस एग्जाम्पल को सही प्रूफ करता है. तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो रहा है कि उसके कुछ तो था उसको डांसिंग का, और कुछ उसके इन्वायरमेंट ने उसको इनकरेज किया है, इसकी वजह से वो बहुत अच्छा डांस करने लगी. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस रिफर टू, किस चीज को बताता है डिसकंटिन्यूटी. तो डिसकंटिन्यूटी बताता है नए तरीकों को समझने के लिए जो इंटायर प्रोसेस में चलते रहता है. हम हर बार एक ही काम को चार पांच अलग तरीके से कर सकते हैं. हर बार जब भी मैं पढ़ाती हूँ, चाहे मैं बैच वन में पढ़ाऊँ या बैच टू में पढ़ाऊँ, तो सेम मटीरियल रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ अपडेटेड आपको मिलेगा. आपने अगर मेरे साथ साइंस की है, आपने अगर मेरे साथ CDP किया है, तो आपको पता होगा कि वीडियो लेक्चर्स अलग तरीके से बनाए जाते हैं और जब लाइव हम पढ़ते हैं उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि सेम चीज अगर सेम मोमेंट में भी की जा रही है, सेम चीज के लिए भी की जा रही है, तब भी अलग होगी, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस गेन हो जाता है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं. आप भी खुद को डेवलप कीजिए डेली बाइट्स के साथ. डेली बाइट की वेबसाइट है, दैट इज www.dailybytes.in, जहाँ पे आप जाएंगे कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में. जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास है सीटेट का सेक्शन, जहाँ पे कि सीटेट में आपको मात्र एक रुपए में कई सारे क्विजेज मिलेंगे जहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेगा जिसको कि आप बहुत अच्छे से दे करके और अपनी तैयारी एक लेवल अप बूस्ट कर सकते हैं. अगले चलते हैं सवाल की तरफ, दैट इज सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे. तो दैट इज कि सबसे पहला सवाल जो दे रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही बताता है सोशलाइजेशन को, ठीक है. स्टेटमेंट हमें सही गलत चुनना है, ये सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है. तो चाइल्ड्स पोटेंशियल इज अ डिफरेंट रिजल्ट ऑफ
जेनेटिक मटेरियल। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, तो बी में आओ तो शेप्ड एंड मॉडल्ड बाई सोशल इन्वायरमेंट, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो गया। थर्ड है कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोली बाई उसकी डेस्टिनी, उसका इन्वायरमेंट और हेरिडिटी कोई रोल प्ले नहीं करता, तो डेस्टिनी में तो बिल्कुल भी नहीं। एंड लास्टली कि चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है? इन्फेंसी से, शैशवावस्था से शुरू हो जाता है हमारा सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो देखो नीचे से चलना शुरू करते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं। हमने यूरी ब्रॉम्फेन बैनर की थ्योरी में देख रखा है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का भी फर्क पड़ता है, मीडिया का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मीडिया का बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और ये भी बात हम जानते हैं, बच्चे इमिटेट करते हैं। स्कूल प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की, बिल्कुल नहीं। स्कूल वॉज सेकेंडरी, प्राइमरी वॉज फैमिली। तो फैमिली स्कूल जो है मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट एजेंसीज लाइक मीडिया एंड प्रेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द 17th क्वेश्चन, दैट इज अबाउट डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो अभी बात करें कि फैमिली प्राइमरी है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में जितनी जगह पे भी फैमिली होगा वो सारे ऑप्शन सही नहीं होंगे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, मीडिया एंड स्कूल, विद्यालय और मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि एक बच्चा है जो डांस रियलिटी शो देख रहा है और उसने जज को इमिटेट करते हुए टेबल पे चढ़ के तालियां बजाई हैं और कमेंट दिया है, ठीक है। तो ये किस चीज के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं, कि किस प्रकार का समाजीकरण ये है? तो दिस समाजीकरण इज अबाउट मीडिया। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कि सिंचैन पे कुछ पेरेंट्स ने बैन करने की मांग की है, क्योंकि उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसकी वजह से उनके बच्चे भी अनियंत्रित व्यवहार कर रहे हैं, वैसे ही नकल कर रहे हैं। दैट इज विच टाइप ऑफ एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, कौन सा है? दैट इज मीडिया। अगेन, मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट सवाल है हमारा, व्हाई प्लेइंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इंटैक्ट सीन फ्रॉम रीसेंट पॉपुलर मूवी, कुछ बच्चे रिसेंट पॉपुलर मूवी को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अगेन किस चीज को हाईलाइट कर रहा है? तो दिस इज हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया। ध्यान रखना इस चीज का, मीडिया की इम्पोर्टेंस से बहुत सवाल है पिछले बार के सीटेट के पेपर में, बिकॉज मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बारी मीडिया से सवाल है। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ज़माने में, फोन्स, टैबलेट्स, इन सब के ज़माने में मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के डेवलपमेंट में। सो दिस वुड बी वेरी इम्पॉर्टेंट सोशल एंड सोशलाइजेशन एजेंट। और इस सारे वीडियो लेक्चर को आप 1 से 5 तक जब आप कंप्लीट करोगे, सारे वीडियो लेक्चर्स को CDP सीरीज में जाके चेक करोगे, 1 से 5 तक कंप्लीट करोगे, तो आपको सारी चीज़ें, सारे आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। तो फॉलो करते रहिए डेली बाइट्स को। और अभी के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां जाएं, मुझसे जुड़ें और अपने सीटेट CDP से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड टू डेली बाइट्स, डू फॉलो RM सीरीज, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।